मुझे लगता है कि ये बोनसाई बनाने के लिए परफेक्ट प्लांट है। ये देखिए, जिसका इंतजार था वो समय आ गया है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही यूनिक प्लांट मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। वेलकम टू माय चैनल गार्डनिंग विद सुनीता। आज मैं फिर आप लोगों के सामने अपनी एक शॉपिंग वीडियो लेकर आई हूँ, प्लांट शॉपिंग वीडियो। और आज मैं अपने कोई भी प्लांट के दाम नहीं शेयर कर पाऊंगी, और एक बहुत ही रेयर प्लांट और बहुत ही सुंदर प्लांट भी आप लोगों को वीडियो के अंत में दिखाऊंगी। तो वीडियो देखते रहिएगा पूरा, बहुत ही अच्छा लगने वाला है। और बहुत सारे प्लांट मुझे गिफ्ट में भी मिले हैं, दिसंबर में ऐसे मुझे गिफ्ट में प्लांट मिलते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। और कुछ पॉट भी मैंने लिया है, वो भी दिखा देती हूँ। तो सबसे पहला प्लांट तो ये सामने ही रखे हुए हैं, टोरेनिया का प्लांट है और एक ग्रो बैग में है। बहुत सुंदर है ये, बहुत ही प्यारे लगते हैं। मेरे पास टोरेनिया के बहुत सारे प्लांट हैं, लेकिन ये वाले जो थे ओवर वाटरिंग के वजह से कलर खराब हो गए थे, ये कलर की, इसलिए मैंने इसे लिया है। और ये चार पॉट है, ये भी मैंने लिया है। और ये मुझे मिला है 25 रुपीज करके एक, चार पॉट। दूसरा प्लांट है डॉग फ्लावर का, बहुत सुंदर इसका कलर है, लाइट कलर है, येलो में, अच्छा बड़ा प्लांट है। ये भी एक ग्रो बैग में है और इसकी मिट्टी बहुत ही हार्ड है। ये सबको रिपोर्ट करने का वीडियो मैं रिसेंट ही डालने वाली हूँ कि हार्ड मिट्टी में जो भी प्लांट लगे होते हैं उसे आप कैसे लगाएं। तो ये रिपोर्टिंग वीडियो आप जरूर देखिएगा। और कुछ सैपलिंग है जो मुझे गिफ्ट में मिले हैं, वो भी मैं दिखा देती हूँ। ये भी डॉग फ्लावर का ही है, इस टाइप के मिट्टी के, मिट्टी लगा हुआ रहता है, नीचे रूट आए हुए हैं। तो ये एक डॉग फ्लावर है, दूसरा ये भी इसी टाइप की मिट्टी में लगी हुई है, और ये भी डॉग फ्लावर है। स्थिति इतनी अच्छी है नहीं प्लांट्स की, फिर भी मुझे गिफ्ट में मिले हैं, और गिफ्ट में मिले हुए चीज बहुत ही अच्छे होते हैं। ये गजानिया है, इसमें फ्लावर आ गए हैं देखिए, और ये प्लांट मुझे हेल्दी लग रहा है। ये देखिए, मैं जब रिपोर्ट करूंगी तो ये सारे पत्ते वत्ते, सूखे पत्ते निकाल दूंगी, ये पानी में थोड़ी देर छोड़ दूंगी इसे, ताकि इसकी मिट्टी ये ढीली हो जाए, तब मैं इसे लगाऊंगी। और ये डैंथस का है, ये बहुत ही हेल्दी प्लांट है। पांच प्लांट है, और ये भी, ये एस्टर है, सॉरी, इस ये भी एस्टर है, और एक पर्पल कलर के भी एस्टर ही थे ये वाले। और ये छोटे छोटे हैं प्लांट, मुझे इसके नाम तो पता नहीं है, लेकिन ये छोटे छोटे हैं, इसे सैपलिंग ही बोल सकते हैं। ये कैलेंडुला है, जिसकी हालत ये है, मैं इसे फेंकूंगी नहीं, मैं जरूर लगाऊंगी इसे, और ये ग्रो भी हो जाएंगे। और ये भी एक डैंथस है, देखिए ये भी एस्टर है। ये फ्री में मिले हुए प्लांट मेरे, ये देखिए इतने सारे, सभी को मैंने सैंड में रखा है। ये देखिए, इसकी रिपोर्टिंग भी मैं करूंगी, तो वो वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ये देखिए, ये गजानिया है, जिसकी हालत बहुत ही खराब है, ये भी ग्रो बैग में है। एक बहुत ही सुंदर प्यारा सा फ्लावर है, उसमें आता है छोटे छोटे पर्पल कलर के, लेकिन पता नहीं, मुझे उसका नाम नहीं पता है, लेकिन फ्लावर्स आए हुए हैं। आप लोग जरूर बताइएगा इस प्लांट का नाम क्या है। ये देखिए,
इसके फूल देखिए कितने प्यारे, बहुत ही प्यारा है। और ये छोटे छोटे सैपलिंग थे, मैंने इसे गमले में लगा दिया है। और इसके फूल देखिए बहुत ही सुंदर क्यूट से हैं और सारे प्लांट भर कर आएंगे। तो ये फूल का नाम आप लोग जरूर बताइएगा मुझे। ये देखिए, और एक रोज को मैंने लिया है। ये देखिए इसका कलर देखिए आप, कितना यूनिक, कितना प्यारा है, इसलिए मैंने इसे लिया है। और अच्छा बड़ा प्लांट है देखिए आप। और ये मैंने खरीदा है गिफ्ट में मिले हुए, इसके पहले वाले जो मैंने दिखाया जिसमें मिट्टी लगी हुई थी, और जो ग्रो बैग में है, ये सब मैंने खरीदा। विंटर में आप रोज प्लांट ले सकते हो, बहुत अच्छे से चल जाते हैं, ये बहुत सुंदर। वो प्लांट ये है, आप देखिए कितना सुंदर है ये। और ये क्रिसमस चेरी का प्लांट है, और ये एडिबल नहीं है और टॉक्सिक भी होते हैं। अगर पेट एनिमल और छोटे बच्चे अगर आपके घर में है तो उससे थोड़ा सा बचाकर इस प्लांट को रखना है। कितने अट्रैक्टिव लगते हैं ये, कि कोई भी तोड़कर इसे खाना चाहेगा। जहां से मैंने बाय किया इसे, मैंने भी पूछा कि इसे क्या खाया जा सकता है, तो उन्होंने कहा नहीं। और इस टाइप के इसके पत्ते होते हैं देखिए, और ये एक ग्रो बैग में लगा हुआ है। और इसके रूट इस टाइप से ही बोला उन्होंने, बोला कि इसके जो रूट है ये इस टाइप से आपको रिपोर्ट करना है, ताकि इसके रूट ऊपर से दिखाई दे मिट्टी के ऊपर से। मुझे लगता है कि ये बोनसाई बनाने के लिए परफेक्ट प्लांट है। ये देखिए, और राइस हस्क और पत्तों का खाद में ये लगा हुआ है, क्योंकि इसको उठाने से पता चल रहा है बहुत ही हल्का है ये। नाम तो उन्होंने क्रिसमस चेरी बताया है, और क्रैनबेरी भी बोल सकते हैं इसे। बहुत सुंदर है ये प्लांट मैंने लिया है, और इसका दाम मैं नहीं बता पाऊंगी, लेकिन थोड़े से महंगे आए हैं। इसके पत्ते थोड़े हार्ड होते हैं, प्लास्टिक के समान लग रहा है देखने में बिल्कुल। तो ये सारे शॉपिंग आप कर सकते हो विंटर में। और ये प्लांट तो सही में बहुत ही अच्छा था, बहुत ही सुंदर। तो ये रही मेरी आज की वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलती हूँ किसी नए टॉपिक को लेकर आप लोगों के सामने। तब तक आप अपना और अपने गार्डन का ख्याल रखें। थैंक यू।